तो क्या आपको पता है कि हमारे फ्यूचर के स्मार्टफोन्स कैसे होने वाले हैं, हमारे फ्यूचर में आने वाले स्मार्टफोन में क्या क्या बदलाव होने वाला है? क्योंकि अभी देखा जाए तो अभी रिसेंटली कुछ ही सालों में हमारे स्मार्टफोन्स कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो गए। मतलब जैसा कि देखा जाए कि वो पहले हमारे ट्रेडिशनल मोटे मोटे बेजल्स वाले स्मार्टफोन्स आते थे, लेकिन अभी कुछ सालों में हमने बेजलस देखा। उसके बाद फिजिकल फिंगरप्रिंट को हमने साइड में लेके आया, फिर साइड से हमने अंडर डिस्प्ले में कन्वर्ट कर दिया है। फिर उसके बाद सेल्फी कैमरा जो होते थे उनको अभी अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा आ चुके हैं। और आईफोन 16 में हो सकता हो कि एक पोर्टलेस आईफोन लॉन्च करे। यूके में अभी जो मैंडेटरी कर दिया एक टाइप सी चार्जिंग को, तो हो सकता हो कि एप्पल ऐसा कुछ करे। अभी एप्पल ने ये ऑफिशियली नहीं बोला है कि वो ऐसा कुछ लेके आने वाले हैं। उन्होंने बोला है कि वी विल कम्प्लाई, मतलब हो सकता हो कि पोर्ट को ख़त्म ही करने वाले, वायरलेस पे पूरा सिस्टम करने वाले हों। आने वाले 10 सालों में स्मार्टफोन में क्या क्या रेवोल्यूशन आ सकते हैं? तो सबसे पहले जो रेवोल्यूशन होगा वो होगा 6G को लेके। मतलब बहुत सारी कंपनियां, अभी 5G तो इंडिया में आया नहीं है, मतलब ढंग से नहीं आया है, और बातें होने लगी हैं 6G की। तो कंपेयर टू 5G, 6G बहुत ही जल्दी आने वाला है। और नेक्स्ट जो एडवांसमेंट आने वाला वो आने वाला है, कंपनी वायरलेस चार्जिंग के बारे में बातें करते हैं, लेकिन ट्रू वायरलेस चार्जिंग नहीं आया। अभी जो चार्जिंग आते हैं, आपको उस स्मार्टफोन को उठा के उस एक चार्जिंग पैड होता है या चार्जिंग कॉइल होती है उसके ऊपर आपको रखना रहता है, तब आपका स्मार्टफोन चार्ज होता है। तो वायरलेस चार्जिंग का मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो ये सिंपल सा है कि वायरलेस चार्जिंग ऐसा हो कि आपका फोन कहीं पर भी हो, ऐसा कोई मैकेनिज्म जो आपके रूम में अगर उसको सेटअप कर दिया जाए तो इन नो मैटर आपका फोन उस रूम में कहाँ पर है, आपका फोन चार्ज होना स्टार्ट हो जाए। तो ये होगा एक ट्रू वायरलेस चार्जिंग सिस्टम। तो हो सकता है आने वाले 10 सालों में ट्रू वायरलेस चार्जिंग आ जाए, क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनियां ट्रू वायरलेस चार्जिंग मैकेनिज्म पे काम कर रही है, तो आने वाले समय में काफ़ी मस्त हो जाएगा। और नेक्स्ट जो एडवांसमेंट आने वाला वो आने वाला है ग्रिफिन बैटरी में। मतलब ये है कि हम लोग तो अभी देख रहे हैं कि 100 वाट, 120 वाट या 150 वाट की चार्जिंग तो आम बात हो गई। अभी तो Xiaomi ने टीज किया है 210 वाट की चार्जिंग को, तो हो सकता है किसी स्मार्टफोन में 210 वाट की चार्जिंग आए, लेकिन इन सारे फोन में फोन फास्ट चार्ज होते हैं लेकिन फास्ट डिस्चार्ज भी होते हैं। मतलब उनको यूज किया जाए तो स्मार्टफोन में बैटरी कोई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बैटरी बैकअप नहीं है। ऐसा है कि स्मार्टफोन में बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल बैटरी बैकअप होगी वो ग्रिफिन बैटरी लेके आने वाली है रेवोल्यूशन। बोला जा रहा है कि ग्रिफिन बैटरी ये लिथियम आयन बैटरी से ज़्यादा स्टेबल बैटरी होगी और बहुत ही ज़्यादा ये रिलायबल होगी, और इसमें और भी ज़्यादा एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है और ज़्यादा फास्ट तरीके से। तो हो सकता है आने वाले समय में हमको ग्रिफिन बैटरी देखने को मिल जाए। काफ़ी सारी कंपनियाँ काम कर रही है, जैसे कि Xiaomi काम कर रही है, सैमसंग काम करे, काफी सारी कंपनियां इस चीज में काम कर रही हैं कि ग्रिफिन बैटरी को कैसे बनाया जाए। जो नेक्स्ट एडवांसमेंट होने वाला है स्मार्टफोन में वो होने वाला है कि हमारे फोन और भी ज्यादा ड्यूरेबल और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। अभी तो हम देख रहे हैं कि गोरिल्ला ग्लास आ गया आईफोन में, सिरेमिक शील्ड आ रही है, लेकिन ये सारी चीजें टूट जाती हैं या उनकी बॉडी अभी स्टेनलेस स्टील की आ रही है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में उसको और भी ज्यादा मजबूत, मतलब कुछ ऐसा लेके आया जाए और भी ज्यादा ड्यूरेबल हो जाए और भी ज्यादा मजबूत हो जाए एकदम हट्टे कट्टे। और जो नेक्स्ट एडवांसमेंट होना चाहिए एक ट्रू डेप्थ कैमरा, मतलब DSLR लेवल की फोटो में अभी आ जाए। मतलब अभी स्मार्टफोन में हमारे क्या आते हैं 2 मेगापिक्सल के डेप्थ कैमरा आते हैं या मैक्स आउट 5 मेगापिक्सल के डेप्थ कैमरा आते हैं, लेकिन अभी अगर यही डेप्थ कैमरा और भी ज़्यादा बढ़िया कैमरा को यूज किया जाए तो फोटो काफ़ी मस्त मस्त आ सकती है। तो हो सकता है आने वाले समय में यही ट्रू डेप्थ कैमरा आ जाए स्मार्टफोन में। और जो नेक्स्ट एडवांसमेंट होने वाला है वो जो अभी के समय पे चल रहा है वही आने वाले समय में भी चलता रहेगा, और वो है मेगापिक्सल वार। मतलब यही है कि कौन सा स्मार्टफोन कितने हाईर मेगापिक्सल वाले फोन को लेके आता है। तो हो सकता है ये चीज़ अभी फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहे, क्योंकि अभी हम बात करें 200 मेगापिक्सल की तो स्मार्टफोन्स आना शुरू ही हो गए हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 400 मेगापिक्सल या 650 मेगापिक्सल वाले कैमरा फोन, फिर उसके बाद भी आने वाले समय में ऐसे चलता रहेगा ये मेगापिक्सल वार स्मार्टफोन में। और नेक्स्ट जो सबसे बड़ा चेंज होने वाला वो होने वाला है स्ट्रेचेबल डिस्प्ले वाला फोन। मतलब जैसे ये कोई स्मार्टफोन और इसका डिस्प्ले स्ट्रेच कर दिया जाए, तो हो सकता हो कि मतलब ये अगर आपका फोन अगर 6 इंच का स्मार्टफोन है, स्ट्रेच करने के बाद आप इसको 12 इंच या 13-14 इंच का एक प्रॉपर टैबलेट बन जाए, ऐसा कुछ आ जाए आने वाले समय में स्ट्रेचेबल डिस्प्ले। ये सारी चीज़ें अभी नियर फ्यूचर में आ सकती हैं, लेकिन हो सकता हो आने वाले कुछ सालों बाद स्मार्टफोन्स गायब भी हो जाए, मतलब उनकी जगह कोई और चीज़ ले ले, जैसे कि AR ग्लासेस या हमारा स्मार्टफोन वॉच, ऐसी सारी चीज़ें हो सकता हो आने वाले समय में हमारे स्मार्टफोन गायब हो जाए और उनकी जगह पे हम लोग कोई एक मतलब और भी ज़्यादा छोटी सी डिवाइस यूज करें, जैसे कि कोई AR/VR हेडसेट हो गया या कोई वॉच हो गया। तो ऐसी सारी चीज़ें हो सकता है आने वाले समय में यूज करना पड़े।
ये सारी चीजें काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं। और एक चीज और काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हुआ, नीचे सुपर टेक का सब्सक्राइब बटन आप सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ही ज्यादा मस्त मस्त टॉपिक को लेके। तब तक के लिए बाय।